और विषम परिस्थिति में फंसे हुए, बहुत विषम परिस्थिति। तो अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, किस स्थान पर हम अपनी विषम परिस्थिति में अगर उसे स्पर्श कर ले, विषम परिस्थिति में अगर कोई तकलीफ की घड़ी चल रही हो तो हमारा मात्र स्पर्श और थोड़ी देर वहां स्पर्श कर अपने मन की बात को कह देने पर भी हमारी समस्या, हमारा दुख समाप्त होता है। अब ये सामने जैसे अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, उस अशोक सुंदर वाली स्थान पर अपने हाथ, सीधे हाथ की तीन उंगलियां, मात्र तीन उंगलियां आप अगर स्पर्श करें और पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मात्र स्मरण करते रहे और कुछ देर उस स्पर्श करी हुई उंगली को थोड़ी देर रखने के बाद अपने हृदय से लगा के अपने मन की बात कहकर, भले आपने जल चढ़ाया नहीं चढ़ाया और आपने घर को लौट कर आ जाएं, वो विषम परिस्थिति टल ही जाती है, उसका समय का दुख तकलीफ नष्ट हो जाती है। वो एक विषम परिस्थिति को टालने का स्थान। कहते हैं कि जब अशोक सुंदरी वाले स्थान पर जब हम हाथ का स्पर्श करते हैं और स्पर्श कर जब हम अपने मन की बात करते हैं तो वो बात महादेव तक, माता पार्वती के माध्यम से, अशोक सुंदरी के माध्यम से पहुंच जाती है और भोलेनाथ हमारे मन की दशा को जानकर आशीर्वाद दे ही देते हैं। वो विषम परिस्थिति। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय माता। मित्रों, आज मैं आपके लिए बिल्कुल नया उपाय लेकर आया हूँ। छत्तीसगढ़ की कथा में 1 जून 2024 की कथा में गुरु जी ने ये उपाय बताया है। बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही सरल उपाय है। अगर आप विषम परिस्थिति में फंसे हुए, कोई ऐसी समस्या ने आपको घेर रखा है जिसका आपको कोई समाधान नहीं मिल रहा, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ शिव मंदिर में जाना है, महादेव के शिवलिंग के सामने आपको बैठना है और अपने सज्जे हाथ की, अपने दाहिने हाथ की, अपने राइट हैंड की बीच की जो तीन उंगलियां हैं, उन तीन उंगलियों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करना है। तीन उंगलियों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करके आपको जो भी महादेव का मंत्र याद है, चाहे ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, जो भी आपको महादेव का मंत्र याद है वह मंत्र का उच्चारण आपको करना है। थोड़ी देर आपको स्पर्श करके रखना है और मंत्र का आपको उच्चारण करते रहना है और साथ में आपकी जो भी समस्या है वो माता अशोक सुंदरी को आपको बतानी है। थोड़ी देर स्पर्श करने के बाद तीनों उंगलियों को उठाकर अपने हाथ के ऊपर, अपने हृदय के ऊपर आपको स्पर्श करना है और स्पर्श करते समय भी आपकी जो भी समस्या है उसका स्मरण आपको करते रहना। इतना सा उपाय करके आप अपने घर आ सकते हैं। यह उपाय करने से माता अशोक सुंदरी के माध्यम से आपकी जो बात है, आपकी जो समस्या है, वो महादेव तक पहुंचेगी और महादेव आपकी समस्या का निवारण तुरंत करेंगे। इसके साथ आप महादेव की पूजा भी कर सकते हैं। उपाय में कोई भी पूजा की मनाही नहीं है। आप महादेव को जल भी चढ़ा सकते हैं, महादेव को बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं, पर आपको ये अशोक सुंदरी वाली जगह पर तीन उंगलियों से स्पर्श करके अपने मन की बात जरूर कहना। अगर आपको भी लगता है कि आप कोई कठिन समस्या में फंसे हैं तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। मैं हमेशा आपके लिए गुरु जी द्वारा बताए गए बिल्कुल सही उपाय लेकर आता हूँ और गुरु जी से सुनकर पूरा उपाय आपको अच्छी तरह से बताने की कोशिश भी करता हूँ। अंत में आप सबसे यही कहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में महादेव के नाम का एक जयकारा जरूर लगाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल।